हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर बुहर और जेन्युइन सर्च के एक और वीडियो में खुशामदीद। जनवरी 2019 में दुनिया ने देखा कि कैसे एक मामूली नज़ला जुकाम फैलाने वाला वायरस पूरी दुनिया को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता है। इस वायरस ने बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और अब तक ये दुनिया में तकरीबन 35 लाख लोगों की अमवात की वजह बन चुका है। ये वायरस दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाले मुल्क चाइना में सबसे पहले फैला, जिस पर साइंटिस्ट को एक लंबे अरसे तक तहकीक करने के बाद इसकी वैक्सीन बनाने में कामयाबी मिल गई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इंडिया में एक बार फिर से इस वायरस के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। इंडिया के लोग जहाँ एक तरफ इस वायरस के फैलाव को देखते हुए एक बार फिर से खौफ और हिरास में मुब्तला हैं, वहीं इन्हें एक और ख़तरनाक वबा ब्लैक फंगस का भी सामना करना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकर माइकोसिस या काली फफूंदी भी कहते हैं, दरअसल फंजाई की वजह से लाहक होने वाली एक खतरनाक बीमारी है। ये इन्फेक्शन इंसानी जिस्म में आँखों के जरिए दाखिल होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी में फैलकर जिस्म के सारे औज़ा और खसूसन दिमाग के काम करने की सलाहियत को बुरी तरह से मुतासर करता है, जिसके बाद इस बीमारी के शिकार मरीजों का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये नहीं जानते कि फंजाई या फंगल इन्फेक्शन दरअसल क्या होते हैं, तो हम आपको बताते चलें कि फंजाई दरअसल हमारे इर्द गिर्द मौजूद ऐसे जानदार होते हैं जिन्हें सिर्फ हम माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। इसकी कुछ किस्मों को खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसकी ज़्यादातर किस्में इंसानों के अंदर कई तरह की बीमारियाँ फैलाने का सबब बनती हैं, जिन्हें फंगल डिजीज़ या फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। इन्हीं में से एक बीमारी ब्लैक फंगस की भी है, जो कि बड़ी तेजी के साथ इस वक्त इंडिया में फैल रही है। इस बीमारी के अलामत में धुंधलापन, सीने में दर्द, सांस में दुश्वारी, खांसी के साथ खून का आना और नाक से खून वगैरह आना शामिल है। दोस्तों, इस बीमारी से मुतासिर होने वालों में ज्यादातर वो लोग शामिल हैं जो हाल ही में कोरोना वायरस से सियातयाब हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग जो कोरोना का शिकार हो चुके हैं, इनका इम्यून सिस्टम निहायत कमजोर हो चुका है और यही वजह है कि इंडिया में कोरोना वायरस से सियातयाब होने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ब्लैक फंगस जैसी बीमारियों में मुब्तला हो रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि ब्लैक फंगस कोई नई वबा है जो हाल ही में सामने आई है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस बीमारी के स्पोर्स हमेशा से हमारे इर्द गिर्द मौजूद थे, पर हमारी बॉडी के कुदरती इम्यून सिस्टम की वजह से ये बीमारी हम पर लाहक नहीं हो सकती थी। पर चौंका, कोरोना वायरस ने ज़्यादातर लोगों के इम्यून सिस्टम को काफ़ी हद तक मुतासर कर दिया है, लिहाजा यही वजह है कि अब ये बीमारी बड़ी आसानी के साथ लोगों पर असरअंदाज होकर इनकी अमवात का सबब बन रही है। दोस्तों, इस बीमारी के शिकार होने वाले लोगों की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स के पास अभी सिर्फ यही इलाज है कि वो म्यूकर माइकोसिस के शिकार मरीजों के वो अज़ा जो इस बीमारी की वजह से ख़तरनाक हद तक मुतासर हो चुके हैं निकाल देते हैं। खसूसन इन मरीजों की आंखें निकालना डॉक्टर्स की मजबूरी बन जाता है, वरना ये वायरस आंखों के जरिए दिमाग तक पहुंचकर इसे मुतासर करता है, जिसकी वजह से मरीज की फौरन मौत वाकई हो सकती है। म्यूकरमायोसिस कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा खतरनाक वबा है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर ही भारत के अंदर इस बीमारी के 7,000 कन्फर्म्ड केसेज रिपोर्ट हुए हैं। US डिजीज और हेल्थ कंट्रोल इदारे के मुताबिक ब्लैक फंगस कोरोना से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक फंगस के मरीजों में शरह अमवात 54% रिकॉर्ड की गई है, जबकि कोरोना वायरस की वजह से होने वाली अमवात की शरह सिर्फ 3 से 4% ही है। इस तहकीक से ये वाज़े अंदाज़ा हो जाता है कि ब्लैक फंगस कोरोना से किस कदर खतरनाक है। दोस्तों, ब्लैक फंगस से बचने के लिए हमें सख्त एहतियात करनी होगी, जैसा कि ताज़ा फ्रूट्स और सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक मतवाजन गिज़ा खाएं, अपने हाथों के साथ साथ अपनी आंखों को भी वक्फे वक्फे से पानी से धोते रहें। इस तरह हम ना सिर्फ म्यूकर माइकोसिस बल्कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों से भी महफूज रहेंगे।
सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा अरसे तक एक ही मास्क पहनने से गुरेज करें, क्योंकि ब्लैक फंगस पर की गई हालिया रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो ज़्यादा अरसे तक एक ही मास्क का इस्तेमाल करते हैं इनके मास्क पर म्यूकर माइकोसिस के स्पोर जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर ये स्पोर्स आंखों के जरिए जिस्म में दाखिल होकर इंसान को इस बीमारी में मुबतला कर देते हैं। दोस्तों एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आता है वो ये है कि इस तरह की खतरनाक बीमारियां हमेशा ज़्यादा आबादी रखने वाले ममालिक में ही क्यों फैलती हैं? क्या ये महज सिर्फ एक इत्तफाक है या फिर किसी की सोची समझी कोई साजिश? खैर आप इस वीडियो से मुतल्लिक क्या सोचते हैं अपनी कीमती राय का इजहार कॉमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से ब्लैक फंगस के बारे में काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की मुनफरद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल जेन्युइन सर्च को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मुनफरद और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।